हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या क्या चीज़ आपको गिवन है। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.01 मोलर, ठीक है। टेम्परेचर कितना गिवन है, 27 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो गया 300 केल्विन। आर की वैल्यू आपको गिवन है, ये भी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में, 0.0821 लीटर एटमोस्फेरिक पर डिग्री पर मोल, ये दे रखी है आपको। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पाई क्या होता है, CRT। इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दो। आपको C की वैल्यू भी गिवन है 0.01, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर की वैल्यू 300। तो यहाँ से पाई आपके पास क्या आ गया, 0.2463। अब ये वैल्यू किस में आएगी, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जो हमारा आर है उसके अंदर जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर यूनिट है। समझ गए बात। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए, आपको कहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, टी 0 डिग्री है मतलब 273 केल्विन, एक सॉल्यूशन है 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया का सॉल्यूशन है देखिए 5%, तो W2 हो गया 5 ग्राम और यूरिया है तो M2 हो गया 60 ग्राम, यूरिया का मोलिकुलर मास। R की वैल्यू अगेन आपको सेम गिवन है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर डिग्री पर मोल, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, देखिए पाई वी इज इक्वल टू W2 बाय M2 RT होता है, ये फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूला के अंदर देखो, आर की वैल्यू देखो पहले, लीटर एटमॉस्फेयर, तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम किस में होना चाहिए, फिर लीटर में होना चाहिए। तो पाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, W2 RT अपॉन M2 × V। तो वी कितना है देखो, 5% सॉल्यूशन आपको गिवन है। तो अब देखिए, आपको सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी जिक्र यहाँ नहीं किया कर रखा, तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जितने ग्राम हो गई उतने ही मिलीलीटर हो गई। तो वॉल्यूम जो है वो आपको गिवन है एक तरह से 100 मिलीलीटर, तो इसको लीटर में चेंज कर लो तो ये हो गया 0.1 लीटर, ये वॉल्यूम आपको गिवन है। बात समझ में आई। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें 5% सॉल्यूशन गिवन है, तो परसेंटेज का मतलब हो गया आउट ऑफ 100, तो 100 ग्राम हो गया तो वो 100 ml के बराबर हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, W2 5, आर 0.0821, टेम्परेचर 273, मोलिकुलर मास यूरिया का 60 है और वॉल्यूम 0.1 है। सारे को जब हमने सोल्व किया तो पाई की वैल्यू आ गई 18.68 एटमोस्फेयर, ये आपके पास पाई आ गया, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि
मॉलिक्यूलर वेट निकालिए सब्सटेंस का। जैसे आपको कहा है, स्टेटमेंट सुनिए, 10 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, जो आपके पास सब्सटेंस है उसकी अमाउंट दे रखी है 10 ग्राम, तो W2 की वैल्यू हो गई 10 ग्राम। डिजोल्ड इन 250 ml ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम है 250 ml, इसका मतलब वॉल्यूम हो गया 0.25 लीटर। एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 600 mm ऑफ मर्करी, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 600 mm ऑफ मर्करी, ये है एट 150 डिग्री सेल्सियस, तो 15 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना हो गया 288 केल्विन। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, ये क्वेश्चन है अब आपके पास, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, पाई वी इज इक्वल टू W2 / m2 RT, तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ गई, W2 RT / πV, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, m2 की वैल्यू आ जाएगी, m2 कितना आया, W2 वो है 10, R 0.0821, टेम्परेचर 288 केल्विन, डिवाइडेड बाय, अब देखिए एक चीज और यहाँ देखने वाली है, वो है पाई। अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, जो वो कितना गिवन है, देखो 600 mm ऑफ मर्करी, जबकि आर की वैल्यू में क्या है, लीटर एटमॉस्फेयर होता है, तो यहाँ पहले ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को चेंज करो 600/760 एटमॉस्फेयर, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आर के अंदर जो यूनिट है, सारी क्वांटिटीज के यूनिट वही होने चाहिए, तो ये हो गया आपका 600/760, ये हो गया आपका पाई, और वॉल्यूम कितना लीटर निकाला हमने, 0.25। इस सारे को सोल्व किया तो m2 की वैल्यू आ गई 1198 ग्राम पर मोल, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया अननोन सब्सटेंस का, ठीक है। अब इसी के अंदर थ्योरी जब आपने पढ़ी थी तो एक कंसेप्ट आया था, वो कंसेप्ट क्या था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, कौन सा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, मतलब π1 = π2, ठीक है। अब π1 = π2 है तो ये कैसे होगा, C1 RT = C2 RT, देखो R गैस कांस्टेंट है, वो तो दोनों में सेम रहेगा, जब प्रेशर सेम है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम रहे होंगे, तभी प्रेशर सेम है, तो RT से RT कैंसिल कर दो, मतलब π1 = π2 कब होगा, जब C1 = C2 होगा। अब C1 क्या है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम सेकंड का। अब यहाँ पर देखिए N1 और यहाँ पर मैं N2 लिखता हूँ, वॉल्यूम के साथ मैंने 1 और 2 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रेशर सेम है तो अगेन वॉल्यूम भी सेम होगा, तो V से V कैंसिल, कहने का मतलब N1 और N2 इक्वल होने चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, W1 / m1 = W2 / m2, तो इसका मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये कंडीशन होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखो, रिज्यूम कर लो, तो देखिए एक स्टेटमेंट है, 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, 4% सॉल्यूशन है सुक्रोज का, इट इज आइसोटोनिक विद 3% सॉल्यूशन ऑफ अननोन सब्सटेंस, दो सॉल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक है, एक है सुक्रोज का, एक है अननोन का, सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है वो है 4% और अननोन का जो सॉल्यूशन है वो है 3%। नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सब्सटेंस, तो ध्यान से समझिएगा, 4 ग्राम पर लीटर आपके पास 4% सॉल्यूशन है सुक्रोज का,
ठीक है। तो पहले आप कंसंट्रेशन पर लीटर निकाल लीजिए। देखिए 4% का मतलब 4/100, 3% का मतलब 3/100। अब 100 में ये 4 ग्राम है, ये 100 में 3 ग्राम है, तो पर लीटर ये कितना हो जाएगा, 40 ग्राम पर लीटर, और ये हो जाएगा 30 ग्राम पर लीटर। ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई, समझ गए बात को। अब हमारे पास जो आइसोटोनिक का रिलेशन था वो ये था, जैसे मैंने बनाया था कि W1/M1 इज इक्वल टू W2/M2। तो W1/M1 इज इक्वल टू W2/M2 लगा लो। अब एक तरफ सुक्रोज कर लो और दूसरी तरफ अननोन सब्सटेंस कर लो। तो सुक्रोज का 40 मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11। और यहाँ W2 कितना है, 30 मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256.5 ग्राम पर मोल। ये अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट आ गया, समझ के बात। तो ये है आप, तो ये आपके पास थे ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। अब हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, वो है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के फॉर्मूलाज थोड़ा रिकॉल करते हैं। P0-PS/P0 इज इक्वल टू N2/N1+N2। ये तो है एग्जैक्ट फॉर्मूला, और अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या है, वो है आपका N2/N1। अगर सॉल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट हो, मतलब लेस देन 5% हो या 5% हो, तो उसको भी हम डाइल्यूट मानते हैं। फिर N2 और N1 की जगह हम W2/M2 और W1/M1 पुट कर लेंगे। तो स्टेटमेंट है जैसे आपके पास, देखिए वेपर प्रेशर 5% एक्वस सॉल्यूशन है, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका वेपर प्रेशर है 100 डिग्री सेल्सियस पे 745 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए ध्यान से, 5% इसका क्या मतलब हुआ कि आउट ऑफ 100 फाइव है। W2 हो गया 5 ग्राम, और W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट वो हो गया 100-5 इज इक्वल टू 95 ग्राम। अब एक्वस सॉल्यूशन आपको गिवन है, देखो PS कितना दे रखा है, 745 मिलीमीटर, तो P0 कितना हो जाएगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस भी गिवन है और एक्वस सॉल्यूशन भी गिवन है, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। P0-PS/P0 इज इक्वल टू W2/M2 इंटू M1/W1। पुट करो वैल्यू, P0 कितना है, 760, ये 745, ये भी 760। W2 कितना दे रखा है, 5। M2 निकालना है, M1 कितना है, वाटर है तो वाटर के केस में 18 होगा, और W1 कितना है, 95। सारे को जब सोल्व करेंगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 48 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो। स्टेटमेंट है 1 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इट वॉज डिजोल्व इन 100 ग्राम एसीटोन। W1 इज इक्वल टू 100 ग्राम, और M1 भी दे रखा है, एसीटोन है तो 58 ग्राम पर मोल होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस।
आपको यहाँ पर दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 192.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन 195 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये दे रखे हैं। कैलकुलेट दी मोलिकुलर वेट ऑफ दी सोल्यूट, ये निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल वही फार्मूला लगेगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू एम वन बाई डब्ल्यू वन। तो सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, पुट कर दीजिए, पी नोट 195, ये 192.5, ये फिर 195, डब्ल्यू टू वन, एम टू निकालना है, एम 158, डब्ल्यू 100। सारे को सोल्व कर लेंगे तो एम टू की वैल्यू आ जाएगी 45.24 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं सारे, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना होगा। तो दो प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल मैंने आपको अब करवाए हैं, दो के फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा देंगे। थैंक यू।